जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का, है ना। अभी आप लोग एट क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। इस क्लास में एट क्लास के मैथ के बारे में आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी इससे पहले पिछले क्लास में आप लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को पढ़े थे, तो चलिए आज हम लोग 2.1 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा, इक्वेशंस आएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और बताया जाएगा आपको कि किस तरह से करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोगों का सबसे पहले देख रहे हैं, वेलकम है, वेलकम टू आवर चैनल, ओके एडुफेस्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। क्लास एट मैथ, एट का मैथ है, एनसीईआरटी मैथ है। आप जान रहे हैं, पहले से बताया हुआ है कि एनसीईआरटी का मैथ्स आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, एट क्लास का। लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज आपका टॉपिक टू है। देखिए चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके बारे में पहले वीडियो में क्लियर हो चुका है, बहुत कुछ समझ चुके हैं और आपको हम बताए भी थे। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक आया था कमेंट हमारे पास, तो एट क्लास के लिए संभव नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि फेस देख करके हम वीडियो बनाएं। ओके, संस्कृत के लिए जो वीडियो बनता है उसमें बाय फेस ही होता है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं और उसमें जो भी क्लास चलता है वो बाय फेस ही होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप हमसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ ऑन द स्क्रीन ही आप पढ़ें। समझना है मेन, देखो मेन उद्देश्य है समझना, टॉपिक को क्लियर करना, ठीक है ना। तो अगर आप समझ रहे हैं तो वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है, फेस की कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ओके, हाँ, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का एट क्लास का एक्सरसाइज 2.1 का ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम पहले ही बात बताए हैं आपको कि पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिक आपका फिर सॉल्व होने लगेगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे सामने आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, कि इसमें आपका है क्वेश्चन 2x-3=7। क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एकदम सिंपल है ये, तो आप एकदम इजी वे में बना लेंगे। ओके, छोड़ दिया जाए इसको, क्लियर कर लेंगे। हाँ, 3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, -3 है तो +3 हो जाएगा और उसके बाद 4 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस होगा, तो बता नहीं रहे हैं आप, स्वयं करेंगे इसको। फिर 2 को ट्रांसपोज कर लीजिएगा RHS में LHS से, यहाँ 2x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्वयं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जहाँ आपको दिक्कत वाला होगा हम खुद बता देंगे, नहीं समझने लायक होगा। जैसे एग्जाम्पल है दूसरा, थर्ड एग्जाम्पल हो गया ना, सेकेंड एग्जाम्पल भी कर लिए क्या हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है ना, सेकेंड एग्जाम्पल छोड़ दिया गया है, ईजी था, इसी तरह से फर्स्ट वाले की तरह ही सेकेंड था। तो थर्ड एग्जाम्पल को देखिए, x/3 + 5/2 = -3/2, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से बनाइए, इजी पड़ता है, ठीक है ना। बोथ साइड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो ऑपरेशन आप करके बनाएंगे उसमें लेंदी होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और मैथ में हम लोगों को जानते हो क्या चाहिए, टाइम का बचत, समय को बचत करना है मेन उद्देश्य। आप रखिए कि एक क्वेश्चन पर कम से कम टाइम लगे आपका, ताकि जो समय बचे वो दूसरे क्वेश्चन में काम आए। अक्सर होता है मैथ में, मैथ का जब एग्ज़ाम होता है तो मान लो कि अगर 22 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है, सब सॉल्यूशन आता है, लेकिन लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बच पाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रफ वर्क में ज़्यादा टाइम लेते हो, ठीक है। तो ये सावधानी रखिएगा, मैथ में, मैथ के स्टूडेंट टाइम के बहुत चोर होते हैं, एकदम एक एक मिनट टाइम बचाते हैं क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं, इस इक्वेशन को आपको हम बता दे रहे हैं। इक्वल टू, देखिए इक्वेशन में इक्वल टू को आप ऐसे एरो से घेर देंगे, क्योंकि डबल इक्वल टू आता है बीच में। तो पहले आप x/3 = कर दीजिए -3/2 और -5/2, ट्रांसपोजिंग किए, समझ गए। 5/2 यहाँ प्लस है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट में x/3 = क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, और -3 -5 कितना हो गया,
माइनस एट हो जाएगा ना, दोनों का साइन सेम रहता है तो दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्स इक्वल टू या एक्स बाई थ्री लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ जाइए, माइनस एट बाई टू हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप कटा भी सकते हैं, यहाँ पर टू फोर जाए एट, क्या हो गया माइनस फोर हो गया। एक्स इक्वल टू, नाउ एक्स इक्वल टू, हाँ तो देखिए एक्स बाई थ्री इक्वल टू माइनस फोर हो गया है ना, ये कटा दिए हैं आप। अब उसके बाद एक्स कर लीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस फोर मल्टीप्लाई थ्री, ट्रांसपोजिंग किए हैं, एक्स बाई थ्री है, थ्री यहाँ पर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस ट्वेल्व, ये आंसर हो गया माइनस ट्वेल्व, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से घबराना नहीं बिल्कुल, आपको क्वेश्चन देखिए आप एकदम शांति से बनाते चलिए और लास्ट में उसका सोल्यूशन आपका आ जाएगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल फोर सिंपल है, बन जाएगा या बना दिया जाए, कोशिश करेंगे आप, ठीक है। वैसे हम बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको, देखिए इक्वल टू क्या करेंगे सबसे पहले आप, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एलएचएस में 15 बाई फोर देखिए ये कांस्टेंट है, और आरएचएस में इतना 9 कांस्टेंट है ही, तो आप क्या करेंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाइए, वेरिएबल को छोड़ दीजिए एलएचएस में, सिंपल। तो क्या बचेगा आपका माइनस सेवन एक्स इक्वल टू माइनस सेवन एक्स, ठीक है ना, माइनस सेवन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 15 बाई फोर, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि 15 बाई फोर इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया आपका। अब माइनस सेवन एक्स इक्वल टू इसका एलसीएम कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा, तो 9 फोर जा 36 और माइनस 15, 36 माइनस 15, ठीक है, हाँ टच हो जा रहा है थोड़ा सा, ओके फिर से लिख दे रहे हैं, समझिएगा माइनस सेवन एक्स इक्वल टू 9 माइनस 15 बाई फोर, तो माइनस सेवन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम हुआ, और 9 फोर जा 36 माइनस 15, माइनस सेवन एक्स इक्वल टू अब माइनस कर लीजिएगा, 36 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 बाई 4, ओके। उसके बाद x इक्वल टू अब 7 को ले जाइए, जो नंबर है केवल वेरिएबल बचेगा, सेवन एक्स बचेगा केवल, तो 21 बाई 4 और ये क्या कर रहा है 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड करेगा, मतलब नीचे आ जाएगा माइनस सेवन, कटा दीजिए माइनस थ्री, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस थ्री बाई फोर, ये आपका आंसर हुआ माइनस थ्री बाई फोर इज योर आंसर, क्लियर है समझ गया क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आगे, बहुत सारा अभी वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना है, उसमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया 2.1, इसमें बताइए सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 है। एक पहला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, देखिए एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन है, तो आप एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा है ना, तो 9 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9, वेरी सिंपल। वाई प्लस 3 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 3 मीन्स 7, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 अगर इस तरह से आता है तो आप उल्टा भी साइड कर सकते हो, अपने मन से इसको कर लीजिएगा सीधा, ठीक है ना, जेड प्लस 2 इक्वल टू 6 कर लीजिए बनाने के लिए, और फिर जेड इक्वल टू तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, जेड इक्वल टू 4 आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, जस्ट अभी बना हुआ है, देखे हैं क्या हो जाएगा 3 बाई 7 प्लस 1 इक्वल टू 17 बाई 7, बना लिया जाए इसको, देखिए 3 बाई 7
ठीक है, तो 3/7 को ही डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देना, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच जाएगा इधर, क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ रहे हैं ठीक है ना, तो केवल x बचेगा इधर, और इधर हो जाएगा 17/7 और -3/7, क्यों, क्योंकि इधर प्लस था, LHS में प्लस था 3/7, इधर का -3/7 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और इधर 17-3, ठीक है ना, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का 7 है, तो x इक्वल टू 17 में से 3 घटाएगा तो 14 आएगा, 14/7 और ये 7 × 2 = 14, x का वैल्यू कितना आ गया x इक्वल टू 2, आंसर हो गया x का वैल्यू 2 हुआ। ओके सिंपल है, एकदम इजी वे में इसको बना लेंगे आप। चलिए 5 क्वेश्चन बन जाएगा, 6x = 12 है तो x इक्वल टू 12/6 हो जाएगा, ठीक है ना, इजी है। 1/5 = 10 है तो t इक्वल टू 5, देखिए यहाँ पर ये जो t बाई 10 है तो 5 क्या कर रहा है t के साथ डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, ऑपरेशन सीधे उल्टा होता है, अपोजिट होता है ना, ऑपरेशन आपका अपोजिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स समझ गए, तो ये जो 5 है उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड कर रहा है तो उधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, t इक्वल टू 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2x/3 = 18, तो इसको हम बता दे रहे हैं 7 को समझ लीजिए, 2x = है ना 18 × 3 हो जाएगा, पहले आप 3 को ट्रांसपोज कर लीजिए उधर LHS RHS में, तो कितना हो जाएगा, अब x को ट्रांसपोज कर दीजिए, x इक्वल टू, तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, 18 × 3 और बाई 2 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड किया तो 2 × 9 = 18 हो गया, हाँ ये मल्टीप्लाई है, 9 × 3 = 27, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 27, आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू 27 आ गया आपका, क्लियर है, 3 और 18 का मल्टीप्लाई हुआ, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 54 लिख दीजिए 54, और 2 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड कर देगा तो 54/2 होगा तो 27 वैसे भी आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आगे है डेसिमल में, तो डेसिमल से घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिए इसको सीधे आप चेंज कर लीजिए, क्या कर दीजिए y/1.5 = 1.6, अब आप क्लियर हो गया ठीक है, LHS से RHS में 1.5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या हो जाएगा y इक्वल टू डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा 1.6 × 1.5, ठीक है, अब डेसिमल का तो मल्टीप्लाई आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो दोनों डेसिमल हटा के बाई 10 कर लीजिएगा और 16, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी करना है ऐसे भी करना है, 16 और 15 का मल्टीप्लाई, ठीक है 16 और 15 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी आप जल्दी में करना चाहते हैं तो 15 × 6 = 90 कैरी कितना हो गया 9, अब 15 × 15 = 9 = 24, देख रहे हैं एक साथ किया मल्टीप्लाई, अब एक बार 5 का करोगे एक बार 1 का करोगे फिर दोनों को ऐड करोगे, यही सब चीज़ टाइम का हम लोग सॉर्ट करते हैं, यही तरीका है मैथ को बनाने का कि जल्दी अगर उस हाँ स्पीड होना चाहिए, अगर स्पीड नहीं है तो आप जैसे एज यूजुअल बनाते वैसे ही बनाइए, गलती ना हो। अभी हमने क्या किया 15 का टेबल पढ़ा, 15 × 6 = 90 अब 15 × 15 = 9 = 24, 240 हो गया। अब इसमें डेसिमल के बाद देखिए एक नंबर यहाँ है एक नंबर यहाँ है, दो नंबर है दो के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1, 2 कितना हो गया तो 2.4, 0 का वैल्यू नहीं होता है डेसिमल के बाद नंबर के बाद, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2.4, ये आंसर हो गया, क्लियर है, तरीका समझिए मैथ बनाने का, फास्ट बनेगा मैथ। चलिए ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9, तो 9 तो सिंपल है 9 बना लीजिएगा आप, पहले 9 को ट्रांसपोज कीजिएगा +9 हो जाएगा उधर जाकर और फिर 7 को मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, इजी वे में आंसर आ जाएगा। चले आगे 2.1 आपका क्लियर हो गया ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 2.2 में चलेंगे, 2.1 के बाद 2.2,
तो 2.2 में आपका अब वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो होता है ना, कई तरह का होता है। जैसे एक एज वाला होता है, ठीक है, एज एज का वर्ड प्रॉब्लम, उम्र का, फादर का उम्र में बेटा का उम्र से 3 times है, इस टाइप का। दूसरा रुपीज का, करेंसी का ना, करेंसी या रुपीज है ना, रुपीज का, रुपीज पैसे का वाला, सिक्का का, क्वाइंस का, क्वाइंस सिक्का का। तीसरा नंबर का, नंबर, नंबर्स में वो होता है डिजिट वाला है ना, वंस डिजिट, टेंस डिजिट वाला। और दूसरा एक नंबर का इस तरह का होता है वर्ड प्रॉब्लम कि दो नंबर का जोड़ इतना है, ऐड करने पर इतना आता है, उसमें से एक नंबर जो है इतना अधिक है दूसरे से, तो दोनों नंबर बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग आगे समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम कई तरह के हैं, एज का हो गया, रुपीज का हो गया, क्वाइंस का हो गया, नंबर का हो गया, इस तरह और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग आगे आपका, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये, सम ऑफ, देख रहे हैं ना, सम ऑफ टू नंबर इज, नंबर्स इज 70, मतलब दो नंबर का सम 70 है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर, तो व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर क्या है, मैंने दोनों नंबर आपको बताना है। तो इस टाइप में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि कभी भी एज हो, नंबर हो, क्वाइंस हो, ऐसे को आप मान लीजिए जो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब कि छोटा को मानिएगा, जो स्मॉल होगा उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर दो नंबर है आपका जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हो, दूसरे तरह से दिया, मैं अपने तरह को बता रहा हूँ, वेरी सिंपल वे होगा। तो इसमें आप दो नंबर है तो निश्चित रूप से अगर एक नंबर 10 बड़ा है दूसरे से, देखिए 10 मोर है, एक अधिक है, तो एक नंबर छोटा हुआ दूसरा नंबर बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे कि छोटे नंबर को मान लेंगे, लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं बी एक्स, स्मॉलर नंबर को आप एक्स मान लिए, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑटोमेटिक द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 10, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 10 ज़्यादा है, दूसरा नंबर 10 अधिक है पहले वाले से, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला 10 अधिक है, तो एक को जो छोटा है उसको हम एक्स माने हैं, तो सेकेंड वाला जो हो जाए बड़ा जो होगा एक्स प्लस 10 होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम माने जोड़ होता है ना, ऐड होता है, दोनों नंबर का ऐड कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। अब आप ये दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए जो आप माने हैं, तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हम ATQ, समझिएगा, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ एक्स ये पहला वाला नंबर और प्लस एक्स प्लस 10 ये दूसरा वाला नंबर इक्वल टू हो गया 70, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो एक्स और एक्स ऐड कर लेंगे तो हो गया 2x, 2x इक्वल टू 70 माइनस 10, क्लियर है, 10 यहाँ प्लस है तो उधर आकर माइनस 10 हो गया। अब x इक्वल टू 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60 होगा, और ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, मतलब 30 बार में कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया 30, x इक्वल टू 30 हो गया आपका ना, लिखा नहीं रहा ठीक से, 30 हुआ। तो अब एक नंबर हो गया स्मॉलर नंबर हो गया, या दोनों नंबर आप लिख दीजिए, नंबर्स इक्वल टू एक हो गया 30, या ऐसे करके लिख लीजिए स्मॉलर नंबर है ना, जगह कम है, इसलिए स्मॉलर नंबर इक्वल टू 30 और ग्रेटर नंबर इक्वल टू है ना, स्पेलिंग को मत जाइएगा आप, इस लिख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ग्रेटर नंबर इक्वल टू 30 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 10 किए हुए थे, तो इक्वल टू हो गया 40, राइट, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट, हाँ लेकिन हाँ सब क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम एक से एक है, उसको समझना होगा अच्छी तरह से, और सभी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सोल्यूशन है जो दूसरे तरह से बनाया है यहाँ पर, x और y मान करके, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ये, लेकिन अभी जो हम लोग समझे बिल्कुल सिंपल था। लेट अस एज्यूम टू नंबर्स टू बी
एक्स एंड वाई, दोनों को एक्स और वाई मान लिया इसने, ये दूसरा तरीका है, समझ लीजिए। नाउ इट्स गिवन दैट सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 70, दस वी कैन राइट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70। दोनों को अलग अलग मान लिया, एगो एक्स एगो वाई, देखने से ऐसा लग रहा है टू वेरिएबल है, बट ये टू वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर एक्स है, दूसरा वाई है, और दोनों का ऐड हो गया 70, ठीक है। फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, इट इज गिवन दैट वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, सो लेट वाई बी 10 मोर देन एक्स। अब एगो एक्स है, दूसरा वाई है, तो वाई को मान लीजिए कि 10 ज्यादा है, किससे 10 ज्यादा है, पहले वाले से, पहले वाला क्या है एक्स है, तो एक्स से ज्यादा हो गया 10। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स से 10 ज्यादा हो गया, तब हम लोग उसको वाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 10, देख रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो गया। इस सेकंड तरीका हम बता रहे हैं, वैसे आंसर हम बता चुके हैं आपको। अब y की जगह पर x प्लस 10 हो गया, दूसरा नंबर हमारा, अब y का कहानी खत्म हो गया, y की जगह पर अब क्या लिखिएगा, x प्लस 10 लिखिएगा, वही तरीका हुआ, एगो x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 10 हो गया, क्लियर है। अब नाउ यहाँ से जो हम आपको बताए हैं वो आ गया, देख रहे हैं x प्लस 10 इक्वल टू 70, यही ना बताया गया था, 2x प्लस 10 इक्वल टू 70, ट्रांसपोजिंग किया गया तो 2x इक्वल टू 70 माइनस 10, 2x इक्वल टू 60, ट्रांसपोजिंग 2 ऑन RHS, 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30, क्लियर है। नाउ द अदर नंबर y विल बी x प्लस 10 मीन्स 30 हो रहा है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, दोनों नंबर मिल गया आपका 30 एंड 40, क्लियर है, बस यही था। चलिए दूसरा तरीका भी आप जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल है अगला दूसरा, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या नंबर, इंटीजर जहां मल्टीपल को हटा के नंबर्स कर दीजिए या इंटीजर्स कर दीजिए, ठीक है, नंबर्स इज 60, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। देखिए यहां इंटीजर आ गया ना, यह मल्टीपल जो है मिस्टेक से है, होता है टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो मल्टीपल नहीं इंटीजर है। अब तीन को कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अब वो कौन से, तीनों को ऐड करने पर 60 आता है। कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 5, 6, 7, ये लगातार हुए, इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो अब इसमें आप कैसे बनाएंगे, पहले को मान लेंगे, लेट फर्स्ट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट वाला एक्स हो गया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 2, तीनों नंबर हो गया। अब यहां लिख दीजिए ATQ, वेरी शॉर्ट ATQ, तीनों को ऐड करके, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीनों को ऐड करने पर 60 आता है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 60। अब वेरिएबल वेरिएबल जोड़ दीजिए, नंबर नंबर को जोड़ दीजिए, कांस्टेंट वाले को, इसमें 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और 3 को एक्स है, तो 3x हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 60, 3x इक्वल टू 60 माइनस 3, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो 60 में से 3 घटाएंगे तो 57 आएगा, क्लियर कर दें कि मिटा के बताएं। चलिए यहाँ देखिए x इक्वल टू, अब तो 57 बाई 3 कितना आएगा, 19 आएगा आपका, x इक्वल टू 19, x का वैल्यू हो गया 19, ओके। अब x 19 हो गया, मैंने फर्स्ट नंबर 19 हो गया, यहाँ देखिए x है तो ये 19 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1 मतलब 20, और तीसरा क्या हो जाएगा, 19 प्लस 2 मतलब 21। ये तीनों देखिए लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव है, और तीनों को ऐड कीजिएगा तो 60 होगा, ऐड करके आप चेक कर लेंगे, है कि नहीं, 60 होगा ये। चलिए ओके, अब इसको आगे समझिए कि किस तरह से बना हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर ए प्लस 1 एंड ए प्लस 2, वही है जो हम एक्स किए वहाँ ए किया गया है, गिवेन, अब सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करने के बाद देखिए 60 हुआ,
तो 3a प्लस 360 सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3a तो 3a इक्वल टू 57 हो गया। अब ट्रांसपोजिंग किए तो क्या हो गया, a इक्वल टू 19। तो a इक्वल टू 19 मीन्स a का वैल्यू तो आ गया फर्स्ट, दूसरा हो गया 19 प्लस 1 मीन्स 20, a प्लस 1 है तो 20, और तीसरा हो गया 21। तो तीनों नंबर लास्ट में देखिए लिखना होगा, कभी भी x में आंसर मत दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंक, एकदम समझिएगा कि जो x माने हो, x का वैल्यू आ गया 19 या a का वैल्यू 19 आ गया, तो वहाँ a इक्वल टू 19 मत लिखिएगा। जिसको माने हैं थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसको माने हैं आप, तो अब लिख देंगे यही आंसर में लिख देंगे हैंस या 10। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10, 10 मीन्स होता है इस प्रकार 10, द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 19, 20 एंड 21, ये आंसर हुआ आपका। अगर x में आंसर देते हैं तो गलत होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला एग्जाम्पल्स है थ्री, थर्ड एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन, देख रहे हैं क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। मतलब एक कंपटीशन में ऑर्गेनाइजर रखा था कि जो जीतेगा, विजेता जो होगा उसको ₹100 का प्राइज मिलेगा, एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25, और जो पार्टिसिपेंट करेगा उसमें और जीतेगा नहीं उसको ₹25 प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, टोटल 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन समझ लेंगे पहले, कि प्राइज क्या क्या है, विनर को ₹100 का और जो विन नहीं करेगा उसको ₹25 का प्राइज होगा। टोटल प्राइज मनी कितना है 3000 है, पार्टिसिपेंट टोटल कितने हैं 63 हैं। तो सबसे पहले आप विनर को मान लीजिए, लेट द विनर, या नंबर ऑफ लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ विनर, ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, मान लीजिए कि एक्स है विनर, तो नॉट विनर कितने होंगे जो प्राइज नहीं जीते हैं, नंबर ऑफ, फिर वही लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ नॉट विनर्स, ठीक है, विनर्स इक्वल टू हो जाएगा 63 माइनस एक्स, समझिएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो 63 हैं, यहाँ देखिए 63, और उसमें से जीतने वाले एक्स हो गए, तो नहीं जीतने वाले कितने हुए 63 माइनस एक्स, ये हो गए। अब इन्हीं में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ओके, यहाँ स्पेस कम है, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग, इसी में प्राइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो प्राइज कितना हो जाएगा विनर्स का, प्राइज ना ऑफ विनर्स इक्वल टू, विनर्स को क्या माने थे आप, एक्स माने थे, और उसको प्राइज कितना मिल रहा है ₹100, ध्यान रखेंगे, तो 100x हो जाएगा 100x। अगर एक्स रुपया दिया गया 100 लोगों को, तो 100 और एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, और नॉट विनर का कितना हो जाएगा, नॉट विनर शॉर्टली लिख रहे हैं, हाँ समझिएगा आप, नॉट विनर का तो ₹25 प्राइज है इनका, और इनकी संख्या कितनी है 63 माइनस एक्स, यही ना है, अब इसको निकाल लीजिए आप, 63 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये रुपीज में होगा, ठीक है, यहाँ रुपीज लिख लीजिएगा, रुपीज क्योंकि प्राइज है ये, तो 63 और 25 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 के 5 एक, 30 एक 31, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, क्या हो गया 5, 6 एक 7, 3 दो 5 और एक 15, 75, 1575 और माइनस 25x, क्लियर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 25 का, 63 से और x से, ये हो गया इतना। अब इसमें इसको हटा दीजिए, ओके, इसको इरेज कर दे रहे हैं,
और हम लोग अब देखते हैं क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना था, 3000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3000 करने के लिए अब यहाँ ATQ करके और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 100x प्लस कितना है 1575, 1575 और माइनस 25x इक्वल टू 3000। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ विनर हो जाएंगे, उतने लोग जीते हैं। क्लियर है कि नहीं? साइड चेंज कर लीजिए, कांस्टेंट को साइड उधर कर लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 100x माइनस 25x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। क्लियर है? अब इसको घटाइएगा, कितना आएगा 75x। 75x इक्वल टू, ये माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, और 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 15 है ना, हाँ 4 हो गया। क्लियर है? और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 1425। अब 1425 हो गया और इधर आ गया 75x। क्लियर है? अब x का वैल्यू निकाल लोगे आराम से, x इक्वल टू, स्पेस कम है यहीं पर हम कर दे रहे हैं डिवाइड बाई 75। अब आप 1425 में 75 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 75 से 75 टू जा क्या होता है 150, लेकिन आपके पास है 142, तो एक बार में पहले डिवाइड होगा, वन टाइम, कितना बच जाएगा है ना, 75 142 में से माइनस करेंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो 9 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ स्पेस कम है इसलिए आपको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया 19, यही विनर है। अब यहाँ आंसर आपको लिखना होगा कि नंबर ऑफ विनर्स, x में आंसर मत दीजिएगा, पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स जगह कम है विनर्स इक्वल टू हो जाएगा 19 आंसर। क्लियर है? इस टाइप से आप बनाओगे एकदम 110% आपका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए देखिए अब कैसे बना है, बिल्कुल उसी टाइप से बना हुआ है, आप समझते जाएंगे, देखते जाएंगे सारा चीज़ जो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना, वही सोल्यूशन है, देख लेंगे। ठीक है, 63 माइनस जेड हो गया, हाँ हम एक्स माने थे, यहाँ जेड माना गया है, अमाउंट है तो इसमें 100z मल्टीप्लाई हो गया, 100z हुआ और इसमें हो गया 25, तो ये हो गया 1575 माइनस 25z। अब ये 100z और ये पूरा कर दिया गया इक्वल टू 3000, ये यहाँ तक हो गया, ट्रांसपोजिंग किए तो 75z इक्वल टू आ गया 1425। अब 1425 में 75 से यहाँ देखिए डिवाइड किया गया है तो आंसर आ गया z का वैल्यू 19, द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19, बोले थे ना कि इसको आंसर लिखिएगा, आप x, z, y में जो भी आंसर आता है उसको आंसर मत लिखना, लास्ट में आंसर हेंस करके या 10 करके, हेंस लिखिए या 10 लिखिए, द नंबर ऑफ विनर जो भी क्वेश्चन आप माने हैं जैसे ऊपर शुरू में माने थे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, तो लास्ट में लिखिएगा द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू जितना भी आंसर आ रहा है, आंसर हो गया। चलिए ओके, आज हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट में अगला वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, आगे आपको एक्सरसाइज अब हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल आगे है, एज वाला एग्जाम्पल है, कर दें इसको, चलिए इसको कर ही लिया जाए। ये एक एग्जाम्पल है आपका, देखिए एज का है, राहुल्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, 10 years एगो ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, फाइंड देयर परसेंटेज, उनका परसेंटेज बताना है, कितना अंतर है, राहुल का एज कितना है 3 times हिज सन्स एज, आप सोचिए जरा, तो इसमें छोटा कौन है, राहुल छोटा है कि उसका सन छोटा है, तो नेचुरली सन छोटा होता है, तो आप सन को मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, सन को एक्स मान लेंगे, तो राहुल का एज कितना हो जाएगा, राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू हो जाएगा 3x है ना, 3 times है, 3 times है तो 3x हो गया,
ये दोनों का प्रेजेंट एज हो गया। अब कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो राहुल जो है वो 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स, माने पिछले हो जाएगा नहीं था, 5 टाइम्स था, हाँ 5 गुना था। अब हमको दोनों का एज इक्वल करना होगा 5 साल पीछे, तो दोनों में से क्या करेंगे, 5 साल नहीं 10 साल, 10 ईयर्स, तो दोनों में से 10 ईयर्स माइनस करेंगे, तो फादर का एज कितना था 3x, तो लिखेंगे 3x माइनस 10 इक्वल टू, और चूंकि अब इक्वल टू कर रहे हैं तो सन के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सन का एज में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सन कितना है x माइनस 10, प्रेजेंट एज उसका x है, तो 10 साल पीछे कितना था x माइनस 10 था। और चूंकि दोनों को बराबर करना है, फादर इससे 5 गुना हो चुके हैं, थे पीछे 5 गुना थे, तो हम सन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जो होगा वो किसका होगा, बेटा का होगा, सन का होगा, और उसका 3 टाइम्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा फादर का, मतलब राहुल का। क्लियर है, कर लेंगे, बना दिया जाए, ओके। चलिए देखिए, 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, है ना। अब साइड चेंज कर लीजिए, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट उस बड़ा छोटा को कीजिएगा, तो 3x को पहले उधर ले जाएंगे और 50 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 10, देखिए यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 50 है तो इधर आके प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 इक्वल टू 5x पहले से है यहाँ पर, और इधर 3x देखिए यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। अब क्या हुआ, 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, तो 2x इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए अब 2x इक्वल टू 40, यहाँ समझ रहे हो कि नहीं, ये 40 कहाँ से है, 50 में से 10 माइनस किया गया, ये माइनस किया गया है LHS में, और इसको डायरेक्ट हम RHS में डाल दिए, और 5x में से 3x माइनस किया तो 2x आया है ये वाला, इसको हम LHS में ले लिए क्योंकि वेरिएबल है। अब क्लियर है, x इक्वल टू कितना होगा 20, x इक्वल टू यहाँ बता दे रहे हैं x इक्वल टू 20, मतलब किसका एज 20 है, परसेंटेज सन का, सन का एज हो गया 20 और फादर का एज हो गया, राहुल का एज हो गया 23 जा 60, दोनों का आंसर आ गया आपका। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए ओके। ओके थैंक यू। अच्छा इसका सोल्यूशन है, ओके ये सोल्यूशन था, वो पेज था सादा था, है ना, ये सोल्यूशन वही जो सोल्यूशन आपको हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर एज आ गया है 20, है ना, लास्ट में चूंकि आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, राहुल का एज 60 हुआ 3 टाइम्स और उसका बेटे का एज 20 हुआ, यहाँ पर 20 है देख रहे हैं, दोनों का आंसर आ गया, सेम कंडीशन है, उसी टाइप से बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए समझ जाएंगे और समझ गए ही पहले से ही, चलिए ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला 2.3 अब हम लोग बनाएंगे, ये सब एग्जाम्पल था अभी, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग कल समझेंगे या नेक्स्ट वीक में, हाँ कल कहाँ से, नेक्स्ट वीक में, कल से आपका संस्कृत का वीडियो आएगा इस टाइम पर, और आपका मैथ जो होगा फिर नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।